मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारा जो चैप्टर है उसको आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें फूड चेन है। ऑर्डर इन विच मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड ए फूड चेन। इसमें बताया है कि एक ऑर्डर जो क्रम होता है, जिसमें तत्व और ऊर्जा जो है वो भोजन के रूप में ट्रांसफर्ड होती है एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव से दूसरे जीव में, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं, भोजन श्रृंखला। इन ए फूड चेन, एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड चेन के अंदर क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो पौधों से दूसरे जीव के अंदर जाती है। व्हेन ए ग्रास हॉपर ईट्स ए प्लांट, जब एक टिड्डा जो होता है वो किसी खाता है एक पौधे को खाता है। द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लांट टू द ग्रास हॉपर, तो उसने पौधे को खाया तो पौधे की जो एनर्जी है वो किसके अंदर चली गई, टिड्डे के अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर चली गई। उसी प्रकार सिमिलरली व्हेन ए फ्रॉग ईट ए ग्रास हॉपर, जब ग्रास हॉपर किसको खाता है कि एक जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर खाएगा, अब जो ग्रास हॉपर की एनर्जी वो किसके अंदर चली जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम द ग्रास हॉपर टू द फ्रॉग, ग्रास हॉपर से फ्रॉग के अंदर, मतलब मेंढक के अंदर। एंड शो ऑन टू द स्नेक, और इस प्रकार से वो जो है फ्रॉग को मेंढक खाएगा तो मेंढक के अंदर चलेगा। एंड द ईगल, और सांप को ईगल खाएगा तो वो ईगल के अंदर जाएगी। इवन यू एंड द फूड यू ईट फॉर्म ए पार्ट ऑफ फूड चेन, तो इसी प्रकार आप भी क्या होए कि भोजन श्रृंखला का हिस्सा हो। जैसे कि ये घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को ईगल खाएगा, ये इस प्रकार डिकम्पोजर्स होते हैं। एक फूड वेब होता है, जो फूड वेब होता है जो भोजन श्रृंखला से बता रखा है, पर जो फूड भोजन की जाल होती है। प्रकृति के अंदर एक विशेष प्रकार का जो फूड होता है, काइंड ऑफ फूड इज नॉट ईटन ओनली बाय ए वन पार्टिकुलर एनिमल स्पेशल, एक विशेष या विशेषकर जो जानवरों के द्वारा ही नहीं खाया जाता। उदाहरण के लिए दीज आर एनिमल्स अदर देन द ग्रास ऑपर, ये किसके द्वारा, ये दूसरे के ग्रास ऑपर से दूसरे जो उदाहरण दिए हैं जानवरों के जो पौधों को खाते हैं। उसी प्रकार सिमिलरली द दे आर ऑल्सो एन एनिमल, वे जीव भी हैं, जानवर भी हैं, अदर देन द स्नेक दैट ईट फ्रॉग, जो सांप के अलावा दूसरे जानवर को भी खाते हैं और मेंढक को भी खाते हैं। दस द डिफरेंट फूड चेन, एक अलग भोजन श्रृंखला जो है वो कनेक्ट है दूसरे, लाइक द वेब ऑफ स्पाइडर, एक स्पाइडर मकड़ी की तरह। दिस फूड चेन, ये जो भोजन श्रृंखला है, टुगेदर फॉर्म कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप कॉल्ड फूड वेब, इसको हम बोलते हैं जो भोजन है इनका, जो पूरी तरह भोजन का जो संबंध है उसको हम फूड वेब बोलते हैं। किसके अंदर बताया है, एक जो माउस है वो पौधे खाता है, रैबिट भी पौधे खाती है, प्लांट खाती है, गोट भी इसको खाती है। अब माउस को रैबिट को, जो माउस है माउस को रैबिट भी खाता है, और माउस को आउल भी खाता है उल्लू, और माउस को स्नेक भी खाता है, ठीक है। अब वाइल्ड जो कैट है वो इस रैबिट को भी खाती है और चूहे को भी खाती है, ठीक है। अब वाइल्ड कैट को लायन भी खाता है और स्नेक को काइट, ये जो चील है बाज, वो भी खाएगा। अब रैबिट को कौन खाता है, जैकाल भी खा सकता है, ठीक है। बकरी को कौन खा सकता है, बकरी को जैकाल भी खा सकता है और सीधा शेर भी खा सकता है। तो ये क्या है, फूड वेब है। बच्चा आपको समझ में आया होगा फूड वेब, तो आप आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।